गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आगे के पार्ट की, इसी लेसन के। आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं एक लेसन पढ़ रहे हैं हम, और इसमें अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा हुआ पत्र है, जीएल फिंटस ने लिखा। फर्स्ट फ्लाइट बुक हमारी एनसीईआरटी की को मैंने पीडीएफ भेज दी है, उसके पढ़कर आप जजमेंट लगा सकते हैं। तो वो सरप्राइज नहीं हुआ था यहां तक पढ़ा, क्योंकि पैसे उसे मिलने थे, ये बात तय थी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका आत्मविश्वास ही ऐसा था। और गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचोस। भगवान ना तो मिस्टेक कर सकता है और ना ही कम पैसे भेज सकता है। लेंचो ही हैड रिक्वेस्टेड इमीजिएटली, लेंचो वेंट अप टू विंडो एंड आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। और उसके बाद में जाता है और पैसे के काउंट किया जाता है, तो पैसे उतने नहीं होते हैं जितने उसने मांगे थे, क्योंकि सभी स्टाफ मिलाकर इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, पर जितने भी किए उतने उसको लिफाफे में भरकर दे दिए। तो आगे बात करते हैं ऑन द पब्लिक राइटिंग। और फिर क्या करता, पब्लिक राइटिंग पे जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद अ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। व्हेन ही फाइनली फिनिशेस, ही वेंट टू विंडो टू बाय अ स्टाम्प व्हिच ही लिस्ट एंड अफिक्स्ड टू द एनवेलप। वो क्या करता है, पहले इंक से एक लेटर लिखता है, उसके बाद में जाता है एक स्टैंप खरीदता है, उस स्टैंप को फिर वहीं लगाता है लेटर के साइड में, और फिर क्या करता है उसे रिस्पॉन्स करता है लेटर को। और अब रिस्पॉन्स करता है तो अब वो कहता है कि लेटर में द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर वेंट एंड ओपन इट। उसके बाद में क्या होता है, पोस्ट मास्टर क्या होता है, वहां जाता है उस मेल बॉक्स के पास में, क्योंकि लेंचो ने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स किया लेटर को। उसमें क्या लिखा, इट इज सैड गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसो रिचेस मी। जो आपने पैसे भेजे हैं उसमें से लगभग मुझे कितने पैसे मिले हैं, लगभग 70 पेसो मिले हैं, इससे ज्यादा नहीं मिले हैं। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब मुझे इसको मेल के थ्रू ना भेजें, क्यों, क्या कारण हो सकता है। लेंचो को कहीं ना कहीं डाउट हो गया कि ये जो पैसे आगे से भेजे जा रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये क्या करते हैं, उस पैसे को निकाल लेते हैं या उसमें कुछ तो भी करप्शन कर लेते हैं इस वजह से। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स इन लेंचो। तो इसमें लिखा गया है कि क्रूक्स एक वर्ड आया इसमें, क्रूक्स का मतलब होता है बदमाश जो किसी के साथ में धोखाधड़ी कर लेता है। कि पोस्ट ऑफिस में अक्सर जो लोग क्या करते हैं, धोखाधड़ी कर लेते हैं, इसलिए आप पैसे ऐसे डाक के थ्रू मुझे ना भेजे जाए, अब मेरे पैसे सीधे मुझे ही दिए जाए, आपके कैसे भी किसी दूसरे माध्यम से दिए जाए, पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं दिए जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पूरा लेसन था, पूरा लेसन आज कंप्लीट हो गया। कल इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की, आप क्वेश्चन आंसर्स लिखिएगा, साथ में आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन आंसर्स, आपको क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले लिखना है वर्ड मीनिंग, ठीक है। जब आप आपकी नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, कम से कम 15 डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आपको लिखना है, एक से लगेगा 15 तक, और उसके बाद में क्या करना है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं इसके, और उसके बाद में अबाउट द ऑथर चाहें तो आप 2-4 लाइनें लिख दें, अच्छा रहेगा। द ऑथर, ठीक है। तो काम आपको करना है, लगातार बने रहना है, लगातार लेक्चर को अटेंड करना है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।